Assalamu alaikum students. Today we are going to read our play Something to Talk About by Eden Philpotts. We will read the text of the play as well as critically analyze the play. But before we go towards the text reading and critical analysis, we will have introduction. तो हमारा ये जो लेक्चर है इस वक्त ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा प्ले है उसका थीम क्या है, उसका टाइटल हमें क्या बताता है एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्ले राइट. उस प्ले लिखने में उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका एम था, उसने इस प्ले को लिखा है और इस प्ले में कितने कैरेक्टर्स होंगे और वो किस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे होंगे. तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा हमारा प्ले का बिफोर वी गो टूवर्ड्स द टेक्स्ट रीडिंग. सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन. हियर इज़ द कैरेक्टर लिस्ट. आप ये देख लीजिए हमारे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे प्ले में हैं और आपको ये पता है कि कैरेक्टर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज़ फार एज़ द प्लेज आर कंसर्न. क्योंकि जो हमारा प्ले होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा जो इनफैक्ट एक तो हमारा जो प्लॉट है प्ले का वो चलता है, मूव करता है सिर्फ इन कैरेक्टर्स के साथ. और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो प्ले राइट होता है उसने डिफरेंट कैरेक्टर्स को रखा होता है और वो कैरेक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपनी पर्टिकुलर क्लासेस के, जैसे कि हमने बियर में भी देखा था. तो वो कैरेक्टर जो होते हैं उनका डिफरेंट माइंड सेट होता है, वो अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ होती हैं, इंडिविजुअल फिलॉसफीज़ होती हैं जिनको वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं. और उनका कैरेक्टर जो होता है वो एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर नहीं होता बल्कि वो सिंबल होता है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है अपनी पूरी कम्युनिटी का. तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को हम देखेंगे और कैरेक्टर्स को इस तरह से भी इम्पोर्टेंस है कि जो हमारा प्ले है उसमें समटाइम्स हम लोगों को कैरेक्टर पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है. तो उसमें फिर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो क्या चीज़ पोर्ट्रे कर रहा है, तो वो हमें कैरेक्टर को पढ़कर ही पता चलेगा. तो सबसे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे हमारे कैरेक्टर्स का, जिसमें सबसे पहले आप देख लीजिए कि वुल्फ है. वुल्फ क्या है जी? फेमस बर्गलर है. अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे कि फेमस, व्हाई इज़ ही फेमस बर्गलर. एक बर्गलर भी है और वह फेमस भी है. हाउ कम? इसलिए कि जो हमने बचपन से पढ़ा कि अगर कोई अच्छे काम के लिए फेमस होता है, शोहरत होती है उसकी, लोग उसको पहचानते हैं, तो उसको फेमस बोला जाता है उसके लिए. और अगर कोई किसी बुरे काम के लिए अब पूरी दुनिया में जाना जाता है, लोग जानते हैं उसको किसी चीज़ उसकी बुरे कामों के लिए रिकग्नाइज़ करते हैं, तो वो उसके लिए नोटोरियस का वर्ड यूज़ किया जाता है. लेकिन आप ये देखें कि हमारे पास फेमस बर्गलर लिखा हुआ है और ये फेमस बर्गलर हमने खुद से नहीं लिख दिया है. इनफैक्ट प्ले राइट जो है हमारा, उसने थ्रू आउट द प्ले फेमस का एडजेक्टिव यूज़ किया है वुल्फ के लिए, उसको बर्गलर को बताने के लिए कि ही इज़ अ फेमस बर्गलर. पूरी दुनिया में जाना माना मशहूर ज़माना आपका बर्गलर है जी वुल्फ. और अब आप यहाँ पर देखिए कि राइटर ने इसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए बताया है. इनफैक्ट ही इज़ गोइंग टू क्रिटिसाइज़ द एटीट्यूड ऑफ दिस पीपल जो उसको फेमस कह रहे हैं. यानी आप और मैं होंगे तो बर्गलर को फेमस नहीं बोलेंगे, लेकिन जो हमारे कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में वो उसको फेमस बोल रहे हैं. एक्सेप्ट फॉर द पर्सन जो अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि एक सिंसियर फेलो है हमारे पास जो कि रियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है ह्यूमन बींग्स की, तो वो हमें नज़र आता है, वो इसको नोटोरियस कहता है. उसके अलावा बाकी सब के सब लोग जो हैं वो उसको फेमस कहते हैं. तो ये एक कंपेरिज़न भी हमें नज़र आता है इन द प्ले. और इसके साथ साथ प्ले राइट जो है वो क्रिटिसाइज़ करता है इन कैरेक्टर्स को कि जो इस बर्गलर के लिए फेमस का एडजेक्टिव यूज़ करते हैं. तो ये फेमस बर्गलर है जी, चोरी करने के लिए आया है आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनके घर में. और वो किसका घर है जी? लॉर्ड रेडचेस्टर का घर है जी. अब लॉर्ड रेडचेस्टर जो हैं ही इज़ हेड ऑफ़ द फैमिली. उनकी मिसेज हैं जी लेडी रेडचेस्टर और उनका बेटा है गाय सिडनी. और ये है जी फर्स्ट पर्सन हु मीट्स वुल्फ. सबसे पहले इसने वुल्फ को देखना है. तो उस अब आप सोचिएगा कि जब गाय सिडनी वुल्फ को फर्स्ट टाइम देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा.
तो आपने अपने ऊपर अप्लाई करना है कि अगर आप गाय सिडनी की जगह पर होते तो आप कैसा बिहेव करते, आप कैसा रिएक्ट करते। तो डेफिनेटली वो यही होगा, एक सिंपल एक कॉमन आंसर, और वो ये होगा कि जी हम एक कॉमनली रिएक्ट करते, किस तरह से चीखे मारकर, या बिल्कुल स्टन हो जाते, बिल्कुल साइलेंट हो जाते कि ये क्या हमारे सामने चोर खड़ा है। तो वो एक फियर जो है वो बड़ा कॉमन है ह्यूमन बींग्स, और एक रियल एटीट्यूड है, लेकिन यहाँ पर एग्जैजरेट किया है प्ले राइट ने सिर्फ और सिर्फ हमें उनके कैरेक्टर्स को एक्सपोज करने के लिए। उसके बाद है जी लेटिस। लेटिस कौन है? गाय की सिस्टर है, लॉर्ड और लेडी रेडचेस्टर की बेटी है, और बिशप है जी अंकल चार्ल्स, और ही बिलोंग्स टू क्लर्जी क्लास, यानी कि ये एक प्रीस्ट है, एक चर्च में ये होता है, वहाँ पर प्रीस्ट है, और यहाँ पर ये अपनी पूरी क्लर्जी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके थ्रू राइटर ने क्लर्जी क्लास को क्रिटिसाइज़ किया है। उसके बाद है जी हमारे पास प्रेस्टन। तो प्रेस्टन इज़ द बटलर, मैन सर्वेंट है इस घर का, और प्रेस्टन इज़ द सिंसियर फेलो, ये बहुत सिंसियर है अपने तमाम लोगों के साथ, अपने ऑनर्स के साथ। इसके साथ साथ ये एक रियलिस्टिक कैरेक्टर भी है कि हम देखेंगे कि जो एटीट्यूड हमारा होगा एक बर्गलर को देखने पर, बिल्कुल वैसा ही एटीट्यूड जो है वो प्रेस्टन शो करता है। तो इट मीन्स प्रेस्टन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक कॉमन मैन को, कॉमन ह्यूमन बींग्स को जी। इसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखेंगे कि हमने जब प्ले पढ़ना है तो उसके लिए कौन से कैरेक्टर क्वेश्चंस हमारे जहन में होने चाहिए। सबसे पहले तो कैरेक्टर्स जो हमने डिस्कस कर लिया कि कैरेक्टर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उनके साथ ही हमारा प्ले जो है वो आगे चल रहा होता है। तो इसलिए हमें कैरेक्टर्स को इंडिविजुअल भी करना होता है कि कौन सा कैरेक्टर किस कम्युनिटी को शो करता है, और उसने कितने अच्छे तरीके से उसको कम्युनिकेट किया है उस फिलॉसफी को जो राइटर उसके थ्रू बताना चाहता था। नंबर टू है जी थीम ऑफ द प्ले। थीम ऑफ द प्ले इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और वो हमें टाइटल से भी नज़र आ रहा है जी। और थीम ऑफ द प्ले, टाइटल ऑफ द प्ले, ये दोनों जो है वो एक ही चीज़ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा टाइटल है वो थीम को ही एक्सप्रेस कर रहा है, समथिंग टू टॉक अबाउट, कि कुछ तो है जिसकी हम बात कर सकते हैं। उसके बाद जी समथिंग टू टॉक अबाउट में ना सिर्फ वो थीम को एक्सप्रेस करता है, बट एट द सेम टाइम वो उस सटायर को भी और उस आयरनी को भी एक्सप्रेस कर रहा है जो राइटर ने अपने पूरे प्ले में हमें दिखाई है जी। उसके बाद है जी नंबर फोर इज़ अ कॉमेडी प्ले। अगर ये कॉमेडी प्ले ना होता तो ये बड़ी ब्लीक सटायर होता, तो इसलिए राइटर ने चाहा कि वो इसको एज अ कॉमेडी हमारे सामने रिप्रेजेंट करे, ताकि हम लोग उससे एम्यूज भी हों और उसे जो बात राइटर हमें कन्वे करना चाहता है वो हम सीख भी लें। नंबर फाइव इज़ द रिएक्शन ऑफ द सिडनीज इन ग्रेजुअल चेंज इन देयर एटीट्यूड। फर्स्ट रिएक्शन क्या है हर कैरेक्टर का, हम इसको इंडिविजुअल भी डिस्कस कर सकते हैं, हम इसको कलेक्टिवली भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर ग्रेजुअल चेंज क्या है उनके एटीट्यूड में, किस तरह का चेंज आता है, किस तरफ को जाता है, और उसके बाद फिर दोबारा वहाँ से चेंज किस तरफ को जाता है, तो ये हम देखेंगे इसमें जी। नेक्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन एज अ कॉमेडी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटीट्यूड एंड टेम्परमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश क्लास। इसमें जी इंग्लिश जो इंग्लैंड के रहने वाले लोग हैं उनका एटीट्यूड और उनका टेम्परमेंट दिखाया गया यहाँ पर, कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं व्हेन अ बर्गलर कम्स इन टू देयर हाउस और ब्रेक्स इन टू देयर हाउस। जब उनके घर में नकब लगाता है, चोरी करने के लिए आता है, तो वो उस वक्त किस तरह से, क्या वो उसको शोर मचाएंगे। एक कॉमन एटीट्यूड तो यही होगा कि शोर मचाएंगे, चोर चोर चोर, लेकिन क्या हम यहाँ पर देखते हैं कि जी उसको वेलकम किया जाता है और चोर सामने खड़ा है तो बस इतनी सी कसर रह गई है कि उसकी नज़र उतार लें, बस और तो सब कुछ कर लिया। द वे हाउ द होस्ट रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड इंट्रूडर, और वो इंट्रूडर भी कौन है, एक बर्गलर है जो कि एक गलत इरादे से उनके घर में आया, उनकी चीज़ें लेने के लिए आया है, उनके लॉस का इरादा रखता है, तो वो कौन है जी, वुल्फ है, सो क्लेवरली विदाउट एनी टेंशन एंड लूजिंग देयर इमोशनल बैलेंस। तो ये है वो रिएक्शन जो हम देखते हैं कि वो अपना बैलेंस लूज़ नहीं करते हैं, वो टेंशन में नहीं आते, वो परेशान नहीं होते, वो बड़े अच्छे तरीके से उसको वेलकम करते हैं और बड़ा क्लेवरली जो है वो उसके साथ टैकल करते हैं और अपनी उस सिचुएशन में से जो ख़राबी की तरफ जा रही थी उसको ठीक कर लेते हैं।
Next is the take burglar as an object of amusement, an interesting episode of their monotonous life. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो burglar जो आता है वो उसको as a burglar तो deal करता ही नहीं है, वो तो उनके लिए एक object of amusement है, एक interesting episode है उनकी monotonous life, जो बहुत ज़्यादा boring हो चुकी थी उनकी life, तो उसको interesting बनाने के लिए ये एक बंदा आया है. तो वो बंदा अब कोई भी हो, वो चाहे वो वुल्फी क्यों ना हो, तो दे आर हैप्पी विद इट. तो कॉमेडी लाइज इन दिस वेरी फैक्ट दैट द टेबल्स टर्नड. टेबल्स टर्न क्या हुई है जी? होना तो ये था कि वुल्फ उनको उनको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आया है, उनको लूटने के लिए आया है, लेकिन उल्टा उन्होंने ही वुल्फ को लूट लिया है जी. सेंस इट इज़ द बर्गलर हु मीट्स एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन. अब इसमें जो मज़े की बात वो ये है कि जो चीज़ जो अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन होना चाहिए था बर्गलर की एंट्रेंस पर उसके ऑनर्स का, घर के ऑनर्स का, वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाती है बर्गलर के साथ. यानी वुल्फ वो सारी चीज़ें फेस कर रहा होता है जो चीज़ें ऑडियंस ने फेस करना थी, और वो फेस क्या करता है जी, ऑडियंस ऑफ अनवेवरिंग टेम्परमेंट. यानी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे घर में चोर आया खड़ा है और उसने हमारी सेफ भी खोल ली है, उसमें से उसने चीज़ें भी निकालनी हैं, बल्कि वो खुद मज़े से उसको पासवर्ड बताते हैं कि ये लो. इतना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, एक्स्ट्रॉर्डनरी पोलाइटनेस है. यानी उनको कोई फील नहीं होता, बल्कि वो उसको कहते हैं आप तो महा, आप तो अजीम हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो बड़े ये हैं कि आप हमारे घर तशरीफ़ लेकर आएँ, आपकी बड़ी मेहरबानी. तो मतलब इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं जी. यूनिक वेलकमिंग बिहेवियर शोन बाय द ऑनर्स ऑफ द हाउस, कि रीडर भी स्टन हो जाता है कि भाई ये क्या, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इनको कोई परेशानी कोई नहीं हो रही, इनमें से कोई चले बाकी बातों में लगाए, दूसरा बंदा जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, बट दे डोंट नीड पुलिस एट ऑल. उनको वो हमें नज़र आ जाता है कि उनको पुलिस की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद इतने अच्छे क्लेवर हैं, वो मास्टर हैं इसमें, एक्सपर्ट हैं कि वो इससे बच जाएँ. नेक्स्ट इज़ द थीम. थीम ऑफ द प्ले इज़ द एटीट्यूड ऑफ वेरी रिच पीपल. समथिंग टू टॉक अबाउट जो है वो एक्चुअली एटीट्यूड है जो शो करता है रिच पीपल का. द थीम इज़ दैट वेरी रिच पीपल बिकम सो टायर्ड ऑफ देयर मोनोटोनस लाइफ्स, कि सुबह उठे आपके सामने एक सर्वेंट है, उसने आपका काम कर दिया है, उसके बाद आप बाहर गए एक और खड़ा है, उसने आपका बाकी का काम कर दिया, तो मतलब सारे काम उन्होंने कर दिए ना. अब आप जब आपके पास करने को कुछ नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, अच्छा चलो जी चलते हैं, तो सोशल लाइफ की तरफ चलते हैं और हम लोग चले जाते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं. इन्हीं अपने घर में एक दूसरे को तो हम टाइम नहीं देते हैं, लेकिन बाहर निकल जाते हैं, तो ये एक अलहदा सी चीज़ है. लेकिन क्या है कि उनकी लाइफ इतनी बोरिंग, इतनी मोनोटोनस हो जाती है कि वो उसमें कुछ चेंज लाना चाहते हैं. वो चाहे चेंज अच्छा हो या बुरा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दैट मैटर्स नथिंग, उसमें कुछ भी नहीं उनको फ़र्क पड़ता है. दैट जस्ट फॉर अ चेंज और सम एक्साइटमेंट दैट दे इंजॉय इवन अ बर्गलरी, तो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेदर इट इज़ गुड और बैड. दे जस्ट वॉन्ट अ चेंज, और ये उनकी एक्साइटमेंट के लिए है, वो इससे अम्यूज़ होते हैं, वो इंजॉय करते हैं, वेदर इट बी अ बर्गलरी, चाहे वो एक बर्गलरी चोरी ही क्यों ना हो. द टाइटल ऑफ द प्ले ऑल्सो सजेस्ट दैट कि जी कुछ वो कुछ चाहते हैं, समथिंग टू टॉक अबाउट, कुछ भी हो. We also see that it is very difficult to bear the loss of things. अब उनके अंदर हम एक चीज़ ये भी देखते हैं कि वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हमारी चीज़ें ये छीन कर ले जाए, तो ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते. It does not matter how rich a person is to see their things, they are ready to harm others. और इसमें हमें नज़र आता है कि वो लोग हैं कि जो अपनी चीज़ें सेव करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं. तो अब वो कर क्या रहे हैं, एक्चुअली वो बर्गलर को हेल्प आउट कर रहे हैं किसी और के घर के बारे में बताकर, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देकर. सो वो दे आर प्लेइंग एज इन्फॉर्मर्स ऑफ द बर्गलर. तो अभी इस पर वो क्रिटिसाइज भी करता है प्ले राइट, दे हैव नो सेंस ऑफ मोरालिटी एंड आर रेडी टू डू एनीथिंग टू से देयर ओन थिंग्स. उनके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, यानी कि वो मॉरल वैल्यूज़ बजाय इसके कि उसको समझाने के, या एक जो एक सिटीज़न की जो ड्यूटी है कि वो पुलिस को कॉल करते, उन्होंने ये नहीं किया. और अभी वो उल्टा ये है कि मॉरल वैल्यूज़ उनकी इतनी डिग्रेडेड हैं कि उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि वो अपनी चीज़ों को सेव करने के लिए किसी दूसरे के, जो न्यू कमर्स हैं उनकी लोकेलिटी में, उनके घर उस बर्गलर को भेज रहे हैं कि भाई तुम हमारी चीज़ें छोड़ दो, जाकर उनके घर में जो चीज़ें पड़ी हैं उनको उठा कर ले जाओ. तो ये है जी थीम इसका. उसके बाद इसी में सटायर और आयरनी छुपा है जी. वी फाइंड सटायर ऑन रिलीजियस पीपल
हमने बात की है बिशप की, वो हैव बिकम सो मटीरियलिस्टिक दैट दे कैन नॉट बियर द लॉस ऑफ वर्ल्डली थिंग्स। और अब आप ये देखेंगे कि बाकी सब तो आकर इम्यूज़ हो रहे थे, लेकिन एक बिशप है जिसने कार्ड प्ले किया है और जिसने रोल प्ले किया है टू सेव देयर थिंग्स, कि किस तरह से वो सेव कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, उसके लिए बिशप ने रोल प्ले किया है जी। और वो इतना मटीरियलिस्टिक है कि वो चाहता ही नहीं कि उनकी चीज़ें जो हैं वो उनसे दूर चली जाएँ। रेडी टू इवन टू टेम्प्ट अदर्स एंड एक्सप्लॉइट द रिलीजियस फीलिंग्स, कि जो उनकी रिलीजियस फीलिंग्स हैं। और इसी से हर्ट होकर वुल्फ ने कहा कि जी वो क्लर्जी को लाइक नहीं करता है। और उसके ऊपर जो लेडी ने भी बताया कि हाँ हाँ बिशप भी कोई इतना पसंद नहीं करता क्लर्जी पीपल को, इन्हीं रिलीजियस पीपल को, वो खुद भी पसंद नहीं करता। इवन दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ बर्गली। अब क्या होता है कि जी ये इतना ज़्यादा जो है इस पे टेम्पटेशन की तरफ आ जाते हैं कि इवन दे बिकम द पार्ट ऑफ बर्गलरी, जो कि न्यू कमर्स के घर में होने जा रही है। दे प्रीच वन थिंग एंड प्रैक्टिस अनदर, बात कुछ और करते हैं करते कुछ और हैं। वो कहते हैं जी हम बड़े लॉयल हैं, हम बड़े सिंसियर हैं, हम कुछ गलत नहीं करते हैं, हम बड़े फेथफुल हैं, लेकिन होता क्या है कि वो उससे बिल्कुल उलट करते हैं कि वो एक बर्गलर को हेल्प कर रहे होते हैं। व्हेन वुल्फ सेज दैट ही डज नॉट लाइक क्लर्जी, लेडी रेजिस्टर सेज मोर डज ही, इसको भी बिल्कुल पसंद नहीं है, फाइंड्स देम मोस्ट डिफिकल्ट एंड लॉलेस, कि वो बहुत लॉलेस होते हैं। कौन? क्लर्जी पीपल जो होते हैं, क्लर्जी क्लास जो होती है। शी फर्दर सेज शी नेवर क्रिटिसाइजेज एनीबडी एंड नेवर डज एनीथिंग बट जस्ट सिट्स ऑन द फेंस एंड प्रेज फॉर एवरीबडी। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ बात की थी सटायर और क्रिटिसिज्म की ऑन रिच पीपल, लेकिन अभी इसमें हम फोकस कर रहे हैं रिलीजियस पीपल को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि सटायर सिर्फ इन्हीं के ऊपर है, सटायर उस उन तमाम रिच पीपल के ऊपर है कि जो इतने सेल्फिश होते हैं कि वो अपनी चीज़ें सेव करने के लिए दूसरों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ रिलीजियस पीपल पर भी जो सटायर की, हम इस पर वो फोकस कर रहे हैं। वी फाइंड दिस सटायर ऑन इंग्लिश मेड थिंग्स विच आर इन्फीरियर टू अमेरिका मेड थिंग्स। अभी आप देखिएगा पूरे प्ले में हमें नज़र आता है कि जी वो इस चीज़ पे बड़े कॉम्प्लेक्स फील करते हैं कि जी उनको अपनी लोकल चीज़ें जो हैं वो ख़रीदनी पड़ती हैं। डेफिनेटली वो इंग्लैंड में रह रहे हैं, उनके लिए इंग्लैंड मेड थिंग्स जो हैं वो लोकल ही हैं। तो जिस तरह हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि जी ब्रांडेड चीज़, इम्पोर्टेड चीज़, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत फैसिनेट करती हैं लोगों को। तो इंग्लैंड के लोग जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर, तो इसने इस पर भी क्रिटिसाइज़ किया उनके इस कॉम्प्लेक्स पर भी, कि उनको लगता है कि जी अमेरिका की जो चीज़ें बनी हुई हैं वो बहुत सुपर क्लास हैं, वो बहुत अच्छी हैं। लॉर्ड रिचेस्टर चेल्स वुल्फ, वी स्टिक टू होम मेड थिंग्स एज अ रूल दो दे आर सो इन्फीरियर। ये उसने क्रिटिसाइज़ किया जी कि उनमें लॉयल्टी नहीं है, सिंसेरिटी नहीं है, सिर्फ एज अ रूल वो उसको फॉलो कर रहे हैं, और रूल को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो दे हैड टू सफ़र पनिशमेंट। सटायर इज़ ऑन इंग्लिश रोड्स एज वेल, उसमें रोड्स पर भी कहा, जब जाए गाय ने कहा है जी रादर बैड रोड्स इन इंग्लैंड आई एम अफ्रेड, एट दिस वुल्फ सेज यू राइट वर्स्ट रोड्स इन इंग्लैंड। तो कुछ सटायर और आयरनी हमें मिलती है जी, और हम इंशाल्लाह इसके बाद जो है जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो उसमें हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को अंडरलाइन भी करेंगे और क्वेश्चंस को हम उसमें डिस्कस भी करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन, समथिंग टू टेक टॉक अबाउट। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।